आज हमारे बीच में गर्व की बात है कि जम्मू के छात्र नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जम्मू कश्मीर से, और जिनके नेतृत्व में पूरे देश में जो है एनएसए का हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर राज्य में, हर यूटी में आज एनएसए का झंडा लहरा रहा है। आज मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी, जो सन ऑफ सॉइल हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, बात करता हूं कि आज इन्होंने एनएसए जम्मू कश्मीर को समय देके आज एनएसए जम्मू कश्मीर जिस प्रकार सड़कों पे उतरी युवाओं के रोजगार के लिए, आज ये अपने ही जम्मू कश्मीर के युवाओं की जो वो दर्द है वो आपके बीच में रखेंगे। किस प्रकार इस सरकार ने इन बच्चों से रोजगार छीनने का काम किया, तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग हमारी इस प्रेस वार्ता में आप लोग हमारे बीच में हैं। आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा जो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया, जिस तरीके से हमने सबसे पहले एक पोस्टर लॉन्च किया, जिस पोस्टर में आपने देखा होगा कि एक हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो एनएसए पूरे देश भर में चला रहा है, तो उसी को लेकर आज वही कार्यक्रम की एक ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है आज हमने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में की, जिस कार्यक्रम का नाम है नौकरी दो या डिग्री वापिस लो। आपको इसके कैप्शन से ही पता चल गया होगा कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। जिस तरीके से पूरे देश भर में जब से भाजपा की सरकार आई है, केंद्र में भाजपा, और यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो गवर्नर रूल, एलजी रूल होने के कारण जो है केंद्र शासित जो भाजपा की सरकार है वो ही यहाँ पे इंडायरेक्टली राज कर रही है। और आजाद भारत में, मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूंगा कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर कभी है तो वो आज है, और उसी का जीता जाता एग्जाम्पल और उससे अछूता हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी नहीं है। 14.2 जो है यहां की अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि पूरे देश में ये दूसरे नंबर का हमारा यूनियन टेरिटरी एक बनती है जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो यहां पर है। तो इसीलिए हमने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है, इस सोई हुई सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को, जो सबसे हताश हमारा युवा, हमारा छात्र तब होता है जब उनको इस मुद्दे को पे चर्चा करने तक का समय नहीं मिलता, जब उनको ये मुद्दा जो है बिल्कुल व्यर्थ लगता है, जो बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो इतना आज जो है सातवें आसमान पर जो पहुंच चुका है। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि भारत एक युवा देश है, हमारा यूनियन टेरिटरी भी जो है यहाँ पे 70% पॉपुलेशन युवाओं की है, लेकिन इस यूनियन टेरिटरी के युवाओं की बात करें या देश के युवाओं की बात करें तो वो हताश है। वो हताश इसलिए है, वो योग्य तो है, उनके पास डिग्रियां तो है, परंतु उनके पास नौकरियां नहीं है। तो इसी को कार्यक्रम को हम आगे लेकर जाएंगे। हम इस गूंगी बहरी सरकार जो सोई हुई है उन्हें अपनी डिग्रियां बेचकर, अपनी डिग्रियां जो है उन्हें सांकेतिक तौर का ये मतलब हमारा कार्यक्रम रहेगा जिसमें हम उनको अपनी डिग्रियां बेचेंगे ताकि उनको ये पता चले, उनको ये नींद से जागे कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो यूनियन टेरिटरी के भी जो छात्र हैं उनके पास डिग्रियां हैं परंतु उनके पास नौकरियां नहीं है। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े वादे जो है यहां पे सरकारों द्वारा किए गए, 50,000 कभी नौकरियों का जो है हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा सत्यपाल मलिक जी द्वारा जो है घोषणा की, उसके बाद 40,000 नौकरियों की घोषणा की गई, 90,000 टोटल ये नौकरियां जो है बनती है, लेकिन नौकरियां कहां है वो मेरे और आप लोगों के सामने आज जो है वो चिट्ठा हम लोगों के सामने है। और नौकरियां देना तो बड़ी दूर की बात रही, बल्कि नौकरियां लेने का काम जो है इस सरकार ने किया। जिस प्रकार ये प्रेस वार्ता थी, तो आप में से किसी भी हमारे मीडिया के साथियों को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं।